नमस्कार, मैं किरण चौधरी एक बार फिर से आप सभी के साथ आपके अपने YouTube चैनल पर हाजिर हूँ। मैं एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के लिए। आज की मेरी मोटिवेशनल स्टोरी स्पेशली उन लोगों के लिए जो किसी भी प्रकार की शारीरिक अपंगता का सामना कर रहे हैं, और वो ये लोग मानते हैं कि ये शारीरिक अपंगता उनके लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा बनी हुई है। ये स्टोरी हमें बताएगी कि अपंग इंसान शारीरिक रूप से नहीं बल्कि यहाँ से होता है। अगर इंसान मानसिक रूप से स्वस्थ है तो किसी भी प्रकार की शारीरिक अपंगता उनके लक्ष्य प्राप्ति में बाधा नहीं बन सकती है। एक ऐसी ही स्टोरी के बारे में हम जानेंगे, तो पूरी स्टोरी को जानने के लिए वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। और अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की पहली दिव्यांग पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा जी की, जिन्हें तानजिंग नॉर्वे अवार्ड और पद्म श्री से सम्मानित किया जा चुका है। जानते हैं उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में, किस प्रकार से ये हमारे लिए प्रेरणादायक है, किस प्रकार से उन्होंने अपनी शारीरिक अपंगता को जो है अपने लक्ष्य प्राप्ति में बाधा नहीं बनने दिया, बल्कि एक ऐसा लक्ष्य बना लिया अपनी लाइफ का और स्वर्णिम अक्षरों में अपना नाम लिखवाया। देखिए, अरुणिमा सिन्हा नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर, ये बात है 11 अप्रैल 2011 की। वो पद्मावती एक्सप्रेस से लखनऊ से दिल्ली की यात्रा कर रही थी। रात 1 बजे के समय कुछ बदमाश आते हैं। अरुणिमा सिन्हा ने एक गोल्ड चेन पहनी हुई थी, उसे छीनने की कोशिश करते हैं। अरुणिमा सिन्हा एक प्लेयर थी, प्लेयर वाली स्प्रिट कहीं ना कहीं उनमें थी। उन्होंने उन बदमाशों का विरोध किया। बदमाशों ने चलती ट्रेन से उन्हें बाहर धक्का मार दिया। उनकी किस्मत की उसी समय दूसरे ट्रैक पर एक अपोजिट साइड से ट्रेन आ रही थी, वो उस ट्रेन से टकराती है और उन दोनों ट्रेनों के बीच में गिर जाती है। अरुणिमा सिन्हा अपने आप को उठाने की कोशिश करती है लेकिन नहीं उठा पाती। वो अपने पांव को देखती है कि उनके पांव बिल्कुल हड्डियां टुकड़े टुकड़े हो चुकी है। बहुत उन्होंने कोशिश की, पूरी बॉडी उनकी सुन हो गई थी लेकिन दिमाग उनका काम कर रहा था। वो लगातार चिल्ला रही थी लेकिन रात के अंधेरे में उनकी आवाज़ कोई नहीं सुन पा रहा था। यही नहीं, और रात को वहां पर चूहे आ जाते हैं, उनके टूटे हुए पाँव को कुतरने लग जाते हैं। 45 ट्रेनें लगातार वहां से गुजर रही थी। सुबह होती है, गाँव वाले आते हैं, उनको देखते हैं और बरेली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उनको भर्ती करवाया जाता है। लेकिन उनके इलाज के लिए जो सुविधाएं चाहिए थी वो सुविधाएं वहां उपलब्ध नहीं थी। अरुणिमा सिन्हा का पांव काटना जरूरी था उनको बचाने के लिए, लेकिन जो सुन्न किया जाना था वो मेडिसिन वहां पर नहीं थी। अरुणिमा सिन्हा में पता नहीं कहां से हिम्मत आई और उन्होंने डॉक्टर्स को कहा, मेरी लाइफ अगर बचानी है तो मेरा पांव काटो, मेरे पांव को काट दीजिए। और देखिए, सोचिए आपकी कितना दर्द उन्होंने बर्दाश्त किया होगा। धीरे धीरे लोगों को पता चलता है कि वो एक नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर है, इस चीज़ का उनको फ़ायदा मिलता है और दिल्ली एम्स हॉस्पिटल में उनको भर्ती करवाया जाता है, जहाँ पर उनका एक पाँव काट दिया जाता है, आर्टिफिशियल पाँव लगा दिया जाता है, दूसरे पाँव में रॉड डाल दी जाती है। वहीं बेड पर उनको कुछ न्यूज़ मिलती है, न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ चैनल्स में, मीडिया में चर्चाएं चल रही थी कि अरुणिमा सिन्हा के पास टिकट के पैसे नहीं थे और वो चलती ट्रेन से कूद गई। कोई कह रहा था कि अरुणिमा सिन्हा ने सुसाइड करने की कोशिश की थी। वो और उनकी फैमिली लगातार चिल्ला रही थी कि ये सच नहीं है, लेकिन उनकी बात कोई नहीं सुन रहा था। वो समझ गई थी कि इस सिस्टम के आगे वो हार जाएगी, उनकी बात कोई नहीं सुनेगा। फिर उन्होंने मन में ठानी कि उन्हें कुछ ऐसा करना है जिससे लोग उनकी बात सुने, लोगों को पता चले वो क्या थी और वो क्या है। वहीं एम्स के बेड पर उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें माउंट एवरेस्ट फतह करना है। जब लोगों को उन्होंने ये बात बताई, लोगों ने बोला, अरुणिमा तुम पागल हो, जो लोग शारीरिक रूप से स्वस्थ है, जिनके पांव है, वो एवरेस्ट फतह नहीं कर पाते, तुम्हारे पांव नहीं है, तुम कैसे एवरेस्ट पर जा पाओगे। अरुणिमा सिन्हा ने कहा, नहीं, मुझे एवरेस्ट फतह करनी है। आप देखिए उनके जोश को। वो जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होती है, वो घर नहीं जाती बल्कि वो जाती है बछेंद्री पाल मैडम जी के पास, जिन्होंने 1984 में एवरेस्ट फतह किया था। बछेंद्री पाल मैडम जी ने उनका सपोर्ट किया। वो कहते हैं, अरुणिमा तुमने आधी लड़ाई तो जीत ली है। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, ट्रेनिंग मिलना, प्रॉपर गाइडेंस मिलना और स्पॉन्सरशिप मिलना, लेकिन ये चीज़ें भी उनकी किस्मत से हो गई थी। जब वो
सच्चाई के धरातल पर उतरती है। देखिए, जब चीज़ें हम सोचते हैं और सच्चाई के धरातल पर उतरते हैं, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। जब वो ट्रेनिंग कर रही थी, वो अपने साथ वाले लोगों से बहुत पीछे रह जाती थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और लास्ट में वो अपने साथ वाले लोगों से आगे निकल जाती थी। जब अरुणिमा सिन्हा जी ने एवरेस्ट के लिए फतह करना शुरू किया, वो जब बर्फ पर उन्होंने चलना शुरू किया, उनका आर्टिफिशियल पांव फिसल जाता था। जब शेरपा को ये बात पता चली, शेरपा ने भी उनके साथ जाने से मना कर दिया कि मैं नहीं जा पाऊंगा, लेकिन अरुणिमा सिन्हा जी ने कहा ये मेरा पांव है, मुझे पता है ये कैसे काम करेगा, और शेरपा उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। जब वो हिलेरी स्टेप पर पहुंची, उनकी ऑक्सीजन खत्म होने वाली थी, शेरपा ने एक बार फिर से उन्हें कहा अरुणिमा वापस चलो, तुम्हारी ऑक्सीजन किसी भी समय ख़त्म हो जाएगी, तुम मारी जाओगी यहाँ पर। अरुणिमा सिन्हा ने कहा नहीं, मुझे एवरेस्ट तो फतह करना है, क्योंकि वो जानती थी कि उनको ये जो ट्रेनिंग मिली है, गाइडेंस मिला है, ये जो स्पॉन्सरशिप मिली है, ये मौका उन्हें दोबारा कभी नहीं मिलेगा। और 1.5 से 2 घंटे के बाद वो एवरेस्ट पर पहुंच जाती है। वो अपने शेरपा से कहती है कि मेरी एक फ़ोटो ले लो। शेरपा कहता है अरुणिमा तुम पागल हो गई हो, कभी भी तुम्हारी किसी भी समय ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने कहा नहीं, तुम फोटो ही नहीं, मेरा वीडियो भी बनाओ। और शेरपा बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन उनका वीडियो बना लेता है, क्योंकि वो इसलिए ऐसा चाहती थी क्योंकि पता था एवरेस्ट पर चढ़ना इतना मुश्किल नहीं होता, उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल होता है वहाँ से लौटना। अधिकांश मौतें होती है वापस लौटते समय, तो उनको पता था मैं वापस लौट पाऊँ या नहीं लौट पाऊँ, लेकिन मेरे देश के लोगों तक, मेरे देश के फ्लैग के साथ मेरी फ़ोटो पहुँचनी चाहिए। उनको पता चलना चाहिए कि अगर आप में जोश है, जज्बा है, जुनून है, तो आपके लक्ष्य की प्राप्ति में शारीरिक अपंगता कहीं भी बाधा नहीं बन सकती है। वो वापस लौट रही थी, थोड़ी देर बाद उनकी ऑक्सीजन ख़त्म हो गई, वो बेहोश होकर गिर गई थी। लेकिन देखिए उनकी किस्मत, उसी समय एक पर्वतारोही जा रहा था, उनके पास 2 ऑक्सीजन सिलेंडर थे, उन्होंने एक फेंक दिया, फटाफट शेरपा ने वो ऑक्सीजन सिलेंडर अरुणिमा को लगा दिया। वो उनको लगातार कह रहा था अरुणिमा तुम बहुत लकी हो, बहुत लकी हो। देखिए लक भी वही काम करता है जब आप में जीतने का जोश हो, जज्बा हो, जुनून हो। और वो कैसे करके खड़ी होती है और वापस नीचे आना शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद होता है कि उनका जो आर्टिफिशियल पांव था वो निकल चुका था, उनकी आंखों में आंसू आ गए, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे चले। धीरे धीरे उन्होंने उस पांव को घसीटना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद उनका जो हाथ है वो एकदम सुन्न हो जाता है, काला पड़ जाता है। आप सोच सकते हो जिसके दोनों पांव नहीं है, अब उनका हाथ भी काटा जा सकता है, कितना मुश्किल होगा उनके लिए ये सब चीज़ें। लेकिन धीरे धीरे वो चलना शुरू करती है। थोड़ी देर बाद जब वो अपने कैंप में पहुँचते हैं, लोग खुशी के मारे एकदम से उछल पड़ते हैं, अरुणिमा तुम यहाँ हो, हमने उम्मीद पूरी तरीके से छोड़ दी थी कि तुम अब वापस आओगी, क्योंकि जिस एवरेस्ट को फतह करने में लोगों को 16 से 20 घंटे का समय लगता है, उसी को पार करने में उनको 28 से 30 घंटे का समय लगा था। पूरी तरीके से लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन अरुणिमा अपने उस जुनून के साथ, अपने जीतने के जज्बे के कारण से वापस पहुंच गई। अरुणिमा ने कहा कि इंसान विकलांग शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से होता है। अगर हादसे होना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उन हादसों से उबरना हमारे हाथ में है। तो ये थी अरुणिमा सिन्हा जी की एक लाइफ स्टोरी, जो हमें बताती है कि शारीरिक अपंगता हमारे मार्ग में कभी भी बाधा नहीं बनेगी, अगर आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दृढ़ निश्चय हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे ज़रूर बताइए मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो को समाप्त करते हैं हम हरिवंश राय बच्चन जी की कुछ लाइनों के साथ। तू ना थकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ।